क्रॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी गाड़ी होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जो है टीवीएस की 300 310 RR, जो एक फुली फेयर्ड और स्पोर्ट्स बाइक अपाचे 310 RR से इसके सबसे फ्रंट टायर हैं। फ्रंट टायर आपको 17 इंच का मिल जाता है विद ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स के साथ मिलता है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 300 mm का विद ड्यूअल चैनल ABS के साथ। टेलीस्कोपी सस्पेंशन है, गोल्डन थोड़ा यहाँ फिनिशिंग दी गई है, जो काफ़ी एक स्पोर्टी और लुक बढ़ के आता है। उसके बाद थोड़ा सा आप और पाएंगे यहाँ पर LEDs दी गई है, DRL एक तो DRL के जो आप दिन में चला सकते हैं, साथ इसके LED इंडिकेटर्स जो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ऊपर हम गाड़ी अपाचे 310 RR के डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आपको दिखा होगा एक मोबाइल खड़ा है एक मोबाइल के बराबर का एक डिस्प्ले है, जो अभी आपको बैकलाइट वाइट दिख रही होगी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। बाकी इसके साथ आपको स्पीड मिल जाएगा, इसका स्पीड टॉप स्पीड आपको दिख रही होगी 109 km/h है। और इसका कूलेंट का टेम्परेचर दिख रहा होगा, इसको फ्यूल रेंज दिख रहा होगा। बाकी इसके साथ हजार्ड के ऑप्शन, न्यूटन और आपका हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ आपको राइडिंग मोड्स मिल जाता है। राइडिंग मोड्स में आपको मिलेंगे अर्बन, ट्रैक मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड, और हर मोड के हिसाब से आपको अलग अलग ये पावर प्रोड्यूस करके देती है। जो आप में आएंगे आपको यहाँ पर चार बटन दिख रहे होंगे, ये बटन आपको जो इसके चार मोड्स हैं राइडिंग मोड उसके लिए दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर सेट में दबाएंगे यहाँ पर आपको डिस्प्ले में देखेंगे चार मोड्स खुल जाएंगे। राइड मोड, राइड मोड आएगा, इसको आप एक और बार क्लिक करेंगे तो आप आएगा अर्बन, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड ट्रैक मोड, जो भी मोड आपको चाहिए। अभी फिलहाल अर्बन मोड में लगा है तो इसको हम अर्बन मोड में सेट कर देते हैं और बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, ट्रिप डिटेल मिलेगी, माई व्हीकल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, इसको फिर हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आएंगे यहाँ पर हजार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, हजार्ड, हजार्ड आप बंद करेंगे तो फिर यहाँ इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट लेफ्ट हॉर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट में आप आएंगे इंजन कट ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर रेड कलर का बटन है। उसके बाद आपको डिस्क ब्रेक रियर और फ्रंट में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। की आपको कुछ इस प्रकार मिल जाएगी, ये आपकी की है आप आज 310 RR की, इसको आप लगाएं और ये आपकी स्टार्टिंग है डिस्प्ले की। इसके बाद थोड़ा आप इधर आएं, जो अपाचे 310 RR का टैंक है 11 लीटर का है, काफ़ी बड़ा काफ़ी चौड़ा, और एक यहाँ पर जो शेप दी गई है ये शेप आपके जो थाई है उसको अंदर छुपाने के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपकी राइडिंग पोजीशन ये होगी तो ये आपका थाई पूरा यहाँ टिका रहेगा, दोनों थाई, ताकि आप एक एग्रेसिव लुक में और एक एयरोडायनेमिक लुक में आ जाएं। इसके बाद आपको स्प्लिट सीट दिखी होगी, फ्रंट की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, स्प्लिट सीट जो विलन के लिए थोड़ी ऊपर हाइट में दी गई है। इसके साथ आपको यहाँ पर एक की के लिए ऑप्शन दिया गया है, इसको खोल के आप इसमें इसको खोल सकते हैं, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, फिर ना डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए तो उसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो ग्रैब रेल है यहाँ पर पीछे नहीं दिया गया है, ग्रैब रेल के ऑप्शन में आपको एक यहाँ हैंडल दिया गया है जो काफ़ी स्टडी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे 310 RR का बैजिंग फ्रंट आएंगे, यहाँ पर LED टेल लाइट आपको दिख जाएगी, LED टेल लाइट एक नए लुक में, जैसे हम TVS के और बाइक्स देखते हैं उसमें अलग लुक, इसमें अलग लुक। TVS की बाइकों में जो टेल लाइट है वो रिपीट नहीं होता है। इसका आप LED इंडिकेटर, वाइट लाइट आपका नंबर प्लेट के लिए, रिफ्लेक्टर एक आपको डस्ट बचाने के लिए, ताकि डस्ट पीछे गाड़ी आ रही है उसको डस्ट ना जाए, उसके लिए आपको एक गार्ड दिया गया है। इसके साथ आप यहाँ साइलेंसर में आएँ, एक आपको काफ़ी बड़ा साइलेंसर, गुड लुकिंग साइलेंसर दिया गया है। इसके बाद आप मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है आपको, पिलन के लिए आपको यहाँ पर जगह दी गई है। राइडर के लिए
यहाँ जगह दी गई है, ये आपका ब्रेक, और यहाँ डिस्क ब्रेक के लिए ऑयल दिए गए हैं, ये पूरी चेजिस है, आपको रेड कलर की दिख रही होगी, ये पूरी चेजिस है, ये यहाँ से ये इंजन इसका 310 सीसी में, 310 सीसी आपको 310 वैसे बोलते हैं, 312 सीसी का वैसे इसका जो आता है इंजन आता है, विद फोर स्ट्रोक फोर वेल सिंगल सिलेंडर और 5 स्पीड इंजन मैनुअल के साथ आता है ये। और इसमें जो डिस्क रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं 240 mm के, और फ्रंट भी 300 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और 17 इंच के टायर विद ट्यूबलेस। ये बाइक आपको रेड कलर में मिलती है और एक ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। आइए अब इसको आपको हम बैठ के दिखाते हैं, इसका सिटिंग पोजीशन एक राइडर का कैसा होगा। मैं एक सिटिंग पोजीशन में आ गया हूँ राइड करने की। चलिए इसके एक आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये 310 अपाचे 310 की साइलेंसर की आवाज, बाकी और ऑटोक्रॉस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और नई नई बाइक्स आपको पेश करें। इसके बाद हम आपको BMW की जो स्पोर्ट्स बाइक 310 सीसी में ही आ रखी है, या और निंजा 400 आ रखी है, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द इसके बारे में बताएं। थैंक यू।